वहीं अब खबर राजस्थान से, जहां पर अलवर जिले में 16 साल की नाबालिग अल्पसंख्यक समुदाय की मूक बधिर बच्ची पर यौन हमले के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट तलब की है और आयोग ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गहलोत सरकार से जवाब भी मांगे हैं। और आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की के खिलाफ यौन हिंसा के मामले से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव को 24 जनवरी तक मामले पर रिपोर्ट देने को कहा गया और अल्पसंख्यक आयोग ने गहलोत सरकार से कई सवाल पूछे और इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया या नहीं, अगर गिरफ्तारी हुई है तो किन धाराओं के तहत हुई है और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अब तक क्या कार्रवाई की गई और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जैसे सवाल सरकार से पूछे गए। और वहीं अलवर एसपी ने शुक्रवार को बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका जताई थी कि यह बलात्कार का मामला हो सकता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही इसके स्पष्ट होने की बात कही थी। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिले और आर्थिक सहायता भी दी, लेकिन पुलिस और अलवर कलेक्टर के साथ सरकार को बीजेपी ने मामले पर घेरा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद शहजाद पुनेवाले ने भी आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार मामले को छिपाने में लगी है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा यूपी में देने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात तक नहीं की, जबकि बीजेपी नेता खुद चलकर सवाई माधोपुरा उनके पास गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से हुई अब तक 11 लोगों की मौत के मामले में सरकार की सहयोगी बीजेपी और अब नीतीश कुमार पर आक्रामक हो गई है। और नीतीश कुमार पर अब बीजेपी की तरफ से आक्रमण कोई नेता या प्रवक्ता नहीं, बल्कि सीधे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से किया गया है। और वहीं जिन्होंने रविवार को अपने फेसबुक पोस्ट में नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार उन 11 लोगों के परिवार को शराबबंदी कानून में जेल भेज देगी जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। दरअसल पिछले साल दिवाली के दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल के संसदीय क्षेत्र पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद सांसद संजय जायसवाल ने उन परिवारों से मुलाकात करके अपनी संवेदना जताई थी और आर्थिक मदद भी की थी। वहीं संजय जायसवाल के इसी कदम को लेकर 2 दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने संजय जायसवाल पर हमला करते हुए कहा था कि जब उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी और वो वहां संवेदना व्यक्त करने गए और पैसे बांटे थे और ये आचरण सरकार की नीति के हिसाब से गलत था। और संजय जायसवाल ने भी इसका जवाब देते हुए कहा था कि भविष्य में कभी उनके क्षेत्र में फिर से जहरीली शराब कांड की घटना होगी तो वो फिर से पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे।